और आज के बाद तुम। चलो मेरे साथ मोहन। दामिनी जी क्या नई चाल चल रही है। दामिनी क्या हुआ, तुम बताओगी कुछ? चुपचाप अंदर चलो मोहन। दामिनी हट, तुम बाहर ही रहो। ये क्या चल रहा है? अगर राधा मोहन सर की वाइफ है तो फिर दामिनी मैम का क्या चक्कर है? दामिनी मैम की तो सगाई हुई थी मोहन सर के साथ और शादी भी होने वाली थी, राइट? छोड़ो ना यार, बड़े लोग बड़ी बातें क्या कर सकते हैं। वैसे मोहन सर तो स्टड निकले, हमारे पास एक भी नहीं है और वो दो दो घुमा रहे हैं। एक घर वाली और एक ऑफिस वाली। बस कीजिए। किसी का सच जाने बगैर उनके बारे में इतनी घटिया बातें करते हुए आप दोनों को शर्म नहीं आती? हम सबको जानना है ना कि आज तक हमने ये बात क्यों छुपाया कि आप मोहन जी की पत्नी है। तो फिर सुनिए, हमने ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इस दफ्तर में हमें कोई खास जगह दे, कोई खास फायदा मिले हमें, या कोई हमारी जी हजूरी करे। हम अपने दम पर आप सबके बीच में अपनी जगह बनाना चाहते थे, ना कि मालिक की पत्नी के रूप में। पर इतनी सी बात आप सबको कैसे समझ में आएगी? आप सबको तो बस एक एक मौका चाहिए लोगों पर उंगलियां उठाने का। पर एक बात ना आप सब ध्यान से सुन लीजिए, हम अपने पति के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बकवास नहीं सुनेंगे। हमारे पति हमारा अभिमान है और अब तक तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि हम यहाँ के मालिक की पत्नी है। तो अगर हमने कभी भी किसी को भी उल्टा सीधा कहते हुए सुना तो उस इंसान को सीधा नौकरी से निकाल देंगे। और अब क्योंकि हम मालिक की पत्नी है तो इतना तो हम कर ही सकते हैं और हमें इसमें कोई रोक नहीं सकता। देख रहे हो ना मोहन, राधा बाहर क्या कर रही है? दो मिनट नहीं हुए तुम्हें सबको ये बताते हुए कि वो एमडी की वाइफ है, तुम्हारी वाइफ है, और मौका मिलते ही ऑफिस में रोब जमाना चालू कर दिया उसने। एग्जैक्टली यही तो चाहती थी वो, कि घर पे भी और यहां भी मुझे नीचा दिखा सके। खैर ये तो पराई है, इससे क्या ही शिकायत करूं मैं। लेकिन तुम तो मेरे अपने हो ना, फिर क्यों एक ही झटके में तुमने मुझे पराया कर दिया मोहन?
मेरा मान सम्मान, मेरी पहचान, सब कुछ मुझसे छीन लिया तुमने। क्यों खुद को मुझसे छीन लिया मोहन? बचपन से लेकर आज तक मैंने तुमसे प्यार किया है। तुमने तो मुझसे ये वादा भी किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। फिर तुम्हारी लाइफ में तुलसी आ गई। मोहन, I love you, तुलसी बैनर्जी। Will you marry me? और तुमने तुलसी से शादी कर ली। जब तुलसी चली गई तो मुझे उम्मीद हुई कि शायद अब हम दोनों साथ हो सकते हैं। उसके बाद तो तुमने खुद मुझे वचन दिया था कि तुम उसे शादी करोगे मोहन। कि उसके बाद राधा तुम्हारी लाइफ में आ गई, तुमने राधा से शादी कर ली। शादी के बाद तुमने ये तक कहा था कि राधा बस तुम्हारे नाम की बीवी है। पत्नी होने के सारे हक तो मुझे मिलेंगे, लेकिन मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला मोहन। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ मोहन, बताओ? मोहन, तुम्हारे आगे ना मैंने कुछ जाना है, ना कभी कुछ सोचा है, ना समझा है। मेरी जिंदगी की शुरुआत तुमसे है मोहन, और मेरी जिंदगी खत्म तुम पर हो जाती है। जब तुम खुद मेरे साथ नहीं हो तो मैं कौन हूँ? मैं मेरा क्या वजूद है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तक ना ये जो कंपनी के सारे लोग हैं ना, वो यही समझते आए हैं कि मैं इस कंपनी की जीएम हूँ, इस कंपनी की पार्ट ओनर हूँ, तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। लेकिन आज के बाद मैं कौन हूँ? रानी, क्या क्या बोल रही हो तुम? तुम अभी इस कंपनी की जीएम हो, अभी इस कंपनी की पार्ट ओनर हो, बस मेरी होने वाली भी नहीं, मोहन! नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता मोहन, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकती मोहन, तुम तो मेरे हो ना, तुम सिर्फ मेरे हो, नॉट अगेन मोहन। ये सब मैं फिर से नहीं झेल सकती। तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी मोहन? नहीं, संभालो खुद को, प्लीज। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ नहीं सुनना मोहन। यू नेवर कैन एंड यू नेवर डू। राधा मोहन का रिश्ता जरूर चलेगा, क्योंकि मेरी लाश पहले। अब राधा इस घर में बस गई है तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। अगर आप अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद होने से रोकना चाहती हैं तो राधा को इस घर से निकालिए। अगर आज मेरी मोहन से शादी नहीं हुई ना, मैं बता रही हूँ आपको, इसी आग में कोठे में अपनी जान दे दूंगी। ना पहले मैंने मोहन को किसी का होने दिया था, ना इस बार होने दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। मोहन को हासिल करने के लिए दामिनी कुछ भी कर सकती है। इससे पहले कि दामिनी मोहन और राधा को नुकसान पहुंचाए, मुझे जल्द से जल्द मोहन को बताना होगा। जिस तरह मैं आप लोगों का एमडी हूं, उसी तरह राधा मेरी पत्नी है। राधा, बस बस वही रुक जाए।
हम पर हाथ उठाने के बारे में सोचिएगा भी मत, वरना हम आपका क्या हाल कर सकते हैं वो आप अच्छी तरह जानती हैं। डराने की कोशिश कर रही हूँ मुझे तुम्हें तो मैं ऑफिस है घर नहीं, जो बात करनी है घर पर चलकर करना, या कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं। तमाशा ना करो, और तुमने जो मेरी जिंदगी के साथ तमाशा किया उसका क्या मोहन? दामिनी तुमने इनफ, ऑफिस में कोई काम नहीं बचा क्या? गो टू योर डेस्क। आज माँ को दामिनी पर सिर्फ शक हुआ था, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि जल्द से जल्द दामिनी का सच माँ के सामने आ जाए और फिर उसका खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, और उसके बाद राधा मोहन और गुनगुन हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। गुनगुन सो रही है, यही सही वक्त है इन लेटर्स को देखने का। पता नहीं क्या है इन लेटर्स में जिन्हें लेकर गुनगुन इतनी एक्साइटेड है, छोड़ ही नहीं रही है। मोहन, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। माँ, माँ अच्छा आप आ गई। माँ, माँ मुझे मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। माँ, मोहन जी, हमें लगता है आप दोनों को कुछ समय अकेले बिताना चाहिए। हम घर जाते हैं, गुनगुन आ गई होंगी ना? राधा तुम, मोहन जी आप माँ जी से बातें करिए, हम घर पर आपका इंतजार करेंगे। राधा, मोहन जी आप थनंग क्यों क्यों कह रहे हैं? और आप चिंता मत करिए, हमें आप पे पूरा भरोसा है। आप जो भी करेंगे सही करेंगे। हम चलते हैं। मोहन, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने सबके सामने
राधा को पत्नी होने का हक दे दिया। मां सबको बता दिया कि राधा मेरी पत्नी है। राधा मोहन त्रिवेदी मेरी पत्नी। मां मैंने दामिनी से भी बात करने की कोशिश की पर बहुत अपसेट हो गई और इसी का नतीजा है। क्या ही कर लू मैं। मोहन वो दामिनी ने बात करी वो समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूं। एक तरफ राधा जवाब चाहती है दूसरी तरफ दामिनी का दिल टूटा है। कोई क्या ही कर लेगा। मोहन की इस हालत में क्या हमें मोहन को बताना चाहिए कि हमने दामिनी को क्या कहते सुना या नहीं। वो मोहन दामिनी मामा आप मुझे बताएं ना मैं करूं तो क्या करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। माँ मुझे पता चल गया कि मुझे करना क्या है। माँ मोहन कुछ भी करने से पहले एक बार हमारी बात सुन लो। माँ आपको भरोसा है ना मुझ पर। खुद से ज्यादा बस तो आप टेंशन मत लीजिए। भरोसा रखिए मुझ पर कि मैं सब ठीक कर दूंगा। माँ अब मैं वो करूंगा ना जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। राधा जवाब चाहती है ना तो अब मैं राधा को जवाब दूंगा। माँ मोहन वो दामिनी ने माँ मैं बात करूंगा दामिनी से। सबसे पहले दामिनी से ही बात करूंगा मैं। ये रिश्ता ना बहुत ज्यादा उलझ गया है मुझे इसे सुलझाना होगा। माँ और उसके लिए मुझे दो चीजें करनी होगी। दामिनी को दिए हुए वादे से ना खुद को सबसे पहले आजाद करना होगा। वो वादा मुझे राधा के करीब जाने नहीं दे रहा है। माँ मुझे दामिनी से अपने रिश्ते को ना खत्म ही करना होगा। सच में और दूसरी चीज राधा को मैंने सबके सामने पत्नी होने का हक तो दे दिया पर बात यहां खत्म नहीं होती है। बात तो यहां से शुरू होती है। माँ मुझे राधा से ना अपने प्यार का इजहार करना होगा। माँ हाँ उसे यकीन दिलाना होगा कि अब मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। इस कच्चे रिश्ते को ना मुझे पक्का करना होगा। माँ और नहीं तो क्या। कैसे शुरुआत हुई हमारे रिश्ते की क्या हो रहा है। मतलब आम तौर पर दो लोगों के बीच में प्यार होता है शादी होती है और फिर माँ बाप बनते हैं ना। मेरे चक्कर में क्या हुआ। मतलब पहले राधा जो है वो गुनगुन की मां बनी फिर उसे मुझसे प्यार हुआ फिर हमारी शादी हुई फिर मुझे उससे प्यार हुआ। क्या चल रहा है ये। तो राधा जवाब चाहती है ना तब मैं उसे जवाब दूंगा। मां मैं हमारे इस रिश्ते को ना पक्का कर दूंगा। अब बस ना मां। मोहन अभी कोई बात नहीं सुनेगा। फिलहाल इसे हमें नहीं बताना चाहिए कि हमें शक है कि तुलसी की मौत के पीछे दामिनी का हाथ हो सकता है। नहीं ये सही समय नहीं है। और हो सकता है जब ये दामिनी से सीधे सीधे बात कर ले तो दामिनी अपने आप ही पीछे हट जाए। सावन की तीज है याद है ये वही दिन है जब तुम्हारी और राधा के रिश्ते की शुरुआत हुई थी। तो कल के शुभ दिन पर
शुभ दिन को साक्षी मानकर राधा से अपने प्यार का इजहार करो। पर उससे पहले ना मुझे दामिनी से बात करनी होगी। हाँ महेश, इस रिश्ते को खत्म करना होगा मुझे। मैं आता हूं जरा, दो मिनट में। मोहन एक बार इन तमाशों से बाहर निकल जाए, खुद को संभाल ले, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि दामिनी पर और किस बात का शक है। अरे यार, हम तो लूडो खेल रहे हैं ना। अरे खेलो दीजा जी, फटाफट। रामा, मेरा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, तो चलो अब लेटर्स पढ़ते हैं। हाँ राधा, मुझे भी देखना है कि आखिर उस लेटर में लिखा क्या है। कर रही हो, बट कोई बात नहीं, वो जल्दी आ जाएंगे। मोहन जी के साथ माँ जी हैं, तो वो ठीक ही होंगे, पर बस जल्दी घर आ जाए। चलो लेटर्स पढ़ते हैं। मुझे भी पढ़ना है। अरे वाह, लेटर्स। गुनगुन के लेटर्स हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा। हाँ, हमें भी देखना है कि तुलसी भाभी ने क्या लिखा है। ठीक है, अब जब सबको पढ़ना ही है तो शुरू करते हैं। जाएगा कि मेरी मम्मा ने लेटर्स में मेरे लिए क्या लिखा है। मेरे लेटर्स गुनगुन के लिए? मैंने तो कभी कोई लेटर्स नहीं लिखे गुनगुन के लिए।